में कुरान की आयत नहीं कि हमने हर चीज़ को अब हर चीज़ से क्या मुराद है, इंसान भी है, ये दीवार भी है, ये मोबाइल भी है, ये हर चीज़ जो आपके जहन में आ रही है, खुदा कह रहा है हर चीज़ को हमने जौज जौज मेल फीमेल के तौर पर खल्क किया है। रहीम का असास और सेंटर पॉइंट कौन है फैमिली के अंदर? माँ, औरत, खातून, यानी औरत और खातून और जन वो सेंटर पॉइंट है रहीम का और तमाम फैमिली और खानदानी रवाबित का। औरत है घर की जिसके वजूद से खानदान में मोहब्बत फैलती है। अगर यही मोहब्बत मर्द फैलाना चाहे उसको बहुत जहमतें करनी पड़ेंगी, लेकिन औरत का वजूद चूंकि एक ऐसा नरम वजूद है और इमोशनल वजूद है, जमाली वजूद है, खूबसूरत वजूद है, मोहब्बत उसी से फैल सकती है। अगर औरत ना हो तो फैमिली सिस्टम और मोहब्बत का निज़ाम फैल सकता है माशरे में, लेकिन सेलिब्रिटी फैमिली सिस्टम में वो किस चीज़ के कायल है? वो कहते हैं कि औरत के बगैर भी फैमिली निज़ाम तश्कील पा सकता है। वो कैसे? वो कहते हैं मुश्किल नहीं है, हमारे पास हर चीज़ का राय हल है, दो मर्द आपस में शादी कर लें, फैमिली निज़ाम तश्कील पा जाएगा, या दो औरतें आपस में शादी कर लें, फैमिली निज़ाम। जबकि अगर आप फितरत के अंदर देखें, खुदा ने हैवानों को क्या मेल मेल बनाया है? नहीं, मेल फीमेल बनाया है। पौधों को और गियाहों को और बाकी अशिया को मेल मेल नहीं बनाया है, फीमेल फीमेल, बल्कि मेल फीमेल का निज़ाम बनाया। बस ये जो अफराद जो मेल मेल की बात करते हैं, फीमेल फीमेल की बात करते हैं, इसका मतलब ये उस फितरत आलम के खिलाफ जाता है।